नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के बीजेपी कार्यालय में, जहां पर आज देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हो या फिर मैं बात करूं करनाल के तमाम पार्षदों की, वो यहां पर इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि आपको जानकारी दे दें कि करनाल के वार्ड नंबर 7 के जो पूर्व पार्षद थे, जो मौजूदा पार्षद थे, कोरोना काल के दौरान उनका देहांत हो जाता है, जिनका नाम सुदर्शन कालड़ा जी था। और जिस तरीके से आपको जानकारी है कि उनके देहांत के बाद से ही जो पार्षद पद की सीट है वो खाली थी। हालांकि पहले ये जो जानकारी थी वो लग रही थी, लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि सर्वसम्मति से ही जो पार्षद है उनका चुनाव हो जाएगा, यानी कि जो सुदर्शन कालड़ा जी है उन्हीं के परिवार के सदस्य में से या तो उनके बेटे को या उनकी पत्नी को पार्षद के तौर पर आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन अब नगर निगम से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की तरफ से जिनको चुनाव के लिए आगे उतारा जा रहा है उम्मीदवार के तौर पर, वो और कोई नहीं बल्कि सुदर्शन कालड़ा जी की ही पत्नी है सरिता कालड़ा जी, जो आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यालय में आज पहुंच चुके हैं और उनके समर्थन में तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं, बीजेपी से ही तमाम जो एमसीज भी हैं करनाल की ओर, जो तमाम पार्षद हैं वो यहाँ पर समर्थन के लिए इकट्ठा हुए। और अब से कुछ देर बाद जो सरिता कालड़ा जी हैं वो नामांकन के लिए नगर निगम पहुंचेंगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार 5 बार पार्षद रह चुके सुदर्शन कालड़ा जी, जिसमें से एक बार जो पार्षद हैं वो उनकी पत्नी भी रही है। 3 बार सुदर्शन कालड़ा जी पार्षद रहे हैं। हालांकि अभी जो उनका सेशन चल रहा था उसी के दौरान ही उनका देहांत हो जाता है बीच में, जिसके बाद से जो पार्षद की सीट है वो खाली थी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो सरिता कालड़ा जी को मैदान में उतारा गया है और आने वाली 3 तारीख को इलेक्शंस होंगे, जिसके बाद ये नतीजा निकलकर सामने आएगा कि क्या वार्ड नंबर 7 से जो आने वाले पार्षद होंगी वो और कोई नहीं बल्कि सुदर्शन कालड़ा जी की पत्नी सरिता कालड़ा ही होंगी या फिर कोई और होंगी। क्योंकि नगर निगम से जानकारी मिल रही है कि 4 से 5 उम्मीदवार हैं जो कि मैदान में उतरेंगे इस इलेक्शंस के लिए। और आप देख सकते हैं सरिता कालड़ा जी के साथ इस वक्त करनाल की जो नगर निगम की मेयर है रेणुबाला गुप्ता, वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी के जो और भी तमाम लीडर्स हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष की बात करूँ योगेंद्र राणा, कल भी यहाँ पर बीजेपी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें जो बीजेपी से जो जिला अध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा, वो भी संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे। और आप देख सकते हैं सरिता कालड़ा जी हैं, उनसे एक बार पूरी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद नामांकन के लिए वो नगर निगम में जाएंगे। और आप देख सकते हैं समर्थन में तमाम बीजेपी के तमाम जो लीडर्स हैं, करनाल के जो तमाम पार्षद हैं, वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए। मैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आपको इतना ज्यादा समर्थन मिल रहा है और हो ना हो लोगों की यही उम्मीद है कि आप ही आगे पार्षद के तौर पर उन्हें नजर आए। बस सब मेरा साथ दे रहे हैं, इनका आशीर्वाद है। मैम, आपसे तो बहुत लोगों को उम्मीद होती है, यानी कि मैं किसी भी पार्षद की बात करूं, आप प्यार मिला है मुझे जनता से बहुत, आप पहले भी क्या उम्मीद होती है लोगों से? बहुत उम्मीदें हैं, मेरे सब साथ है तो मेरे को कोई वो चिंता की बात नहीं। हाँ जी बिल्कुल, अभी मैदान में उतरेंगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे आने वाली 3 तारीख को, और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर वार्ड 7 से कौन आने वाले समय में पार्षद के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। हमारे साथ मैडम रेणुबाला गुप्ता भी, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। मैम, समर्थन में आप लोग सभी कल भी इकट्ठा हुए थे, आज भी इकट्ठा हुए हैं, चेहरे पर आपके स्माइल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी संगठन का इस बात के लिए आभार है कि उन्होंने एक मजबूत उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। आप जानते हैं मेरे भाई सुदर्शन कालड़ा जी ने स्वयं 3 बार पार्षद रहकर और हमारी बहन सरिता कालड़ा जी ने 1 बार पार्षद रहकर वार्ड की पूरी तरह से सेवा की है। हर तरह से वो लोगों के साथ जुड़कर रहे हैं और मेरे भाई ने बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य कराए जो वार्ड के लिए बहुत लोगों के लिए दिल में एक उनके प्रति इस बात का भाव है कि कहीं ना कहीं सुदर्शन कालड़ा जी के रूप में हमारी बहन सरिता कालड़ा जी नगर निगम में पार्षद के तौर पर आए ताकि जो काम अधूरे पड़े हैं उन्हें पूरा करवाया जा सके। हमारी बहन सरिता कालड़ा जी लोगों के साथ एक बड़े सॉफ्ट स्वभाव के साथ हमेशा जुड़कर काम करती आ रही हैं और जिस तरह से लोगों का आपने भी और जैसे भी मीडिया का भी और मैंने बाहर भी जिस तरह से अनुभव किया कि सब
सबका मन में एक पहले से ही भाव था कि कहीं ना कहीं इसमें सरिता कालरा जी ही हमारे पार्षद होनी चाहिए, ताकि हमारे जो वार्ड में काम है वो पूरे करवाएंगे। और मुझे भी इस बात का सपोर्ट है कि एक महिला पार्षद मेरे नगर निगम में आगे बढ़कर आएगी और अपने वार्ड के कार्य करवाएगी। इस बात को किस तरीके से देखते हैं कि 5 बार चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना भी, वो भी एक ही परिवार के सदस्य, चाहे मैं मैम की बात करूं, सर की बात करूं, और किस तरीके से देखते हैं कि छवि क्या थी सर की लोगों में? बिल्कुल, जब चुनाव पहली बार होता है तो पहली बार के चुनाव में लोग कहीं ना कहीं इस बात में भले ही लोगों की बातों में आकर वोट दे देते होंगे, पर जब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार चुनाव होता है तो लोगों में पता होता है, लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि किस तरह से ये व्यक्ति समाज के साथ जुड़कर काम करते आ रहा है। और आमतौर पर एक पार्षद की भूमिका एक ऐसी भूमिका होती है जो किसी भी वार्ड के में अपने किसी भी परिवार में एक मेंबर की तरह वो भूमिका को निभाता है। उसी परिवार के मेंबर के साथ मिलकर हर तरह के वो काम, जो चाहे उसके डेली रूटीन के काम है, चाहे उसके नगर निगम से जुड़े हुए हैं या शहर के कोई भी काम जुड़े हुए हैं, वो हर काम पूरे करवाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई वैसे भी सुदर्शन कालरा जी के एक स्वभाव था, वो अपने आप में तो एक मृदुल स्वभाव के थे ही, इसके अलावा उनमें एक ऐसी गुण था जिसमें वो लोगों का यदि आपस में भी कोई झगड़ा भी होता था तो वो एक बुजुर्ग की भूमिका को निभाते हुए उसे सेटलमेंट बड़े अच्छे ढंग से कर पाते थे। मेरा खुद का स्वयं का अनुभव रहा, 8 सालों तक मैंने उनके साथ काम किया, तो कहीं भी मुझे भी उनकी भी ज़रूरत लगी। और आज जब उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया और वो हमारी विचारधारा के साथ जुड़े, तो बिल्कुल वो एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह से उन्होंने काम किया, और यही भाव आज लोगों में देखने को आ रहा है। और इसी का आज मुझे विश्वास है लोग इनाम के तौर पे मेरी बहन सरिता कालरा जी को देंगे और आने वाली 3 तारीख को कमल के फूल को बड़ी खूबसूरती के साथ खिलाएंगे, ताकि हमारा नगर निगम और ज़्यादा मजबूत हो। मैडम का कहना है कि आने वाली 3 तारीख को कमल का फूल बड़ी खूबसूरती के साथ खिलाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नामांकन की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि कुछ देर बाद ही अब नगर निगम में जाया जाएगा और उसके बाद नामांकन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि सुदर्शन कालरा जी की जगह अब जो उनकी धर्म पत्नी है सरिता कालरा जी, वो मैदान में उतरेंगी, चुनाव लड़ेंगी, और उसके बाद ही किस तरीके से बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो सरिता कालरा जी हैं, इस बार वार्ड 7 के लिए उम्मीदवार हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि 3 तारीख को जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या कुछ नतीजा निकल कर सामने आता है। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं Event24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।